अगर आपने हकीके का पहला पार्ट नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, ये उसका दूसरा पार्ट है। तो हमने जो है गोश्त वगैरह की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दी थी, हलवाई वगैरह आ गए थे और वो अपनी जो कोरमा वगैरह थे वो रेडी कर रहे थे, और दूसरी तरफ रुमाली रोटी वाले भी भाई थे, वो भी अपनी रोटियां वगैरह रेडी कर रहे थे, और मैं पास कोयले की चाय बना रहा था। क्या आपके पास भी कोयले की चाय बनती है? रोटियाँ यार चेक करो कितनी प्यारी हैं। फिर मुझे नदीम ने बोला कि आप जाकर मार्केट से बर्फ़ ले आएँ, क्योंकि शाम को हमारे जो मेहमान आने हैं तो उनको पानी ठंडा हमने देना है। मैं मार्केट में ले बर्फ़ लेने चला गया, वापस आया तो हलवाई खोया, बादाम, दूध और अंडे वगैरह हलवे में डाल रहे थे। तो वापसी में मैं आया तो जो कोयले पे हमने चाय रखी हुई थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। और यकीन जानिए ये कोयले वाली जो चाय होती है ना, ये हम हर फंक्शन पे करते हैं। हमारे गांव में जो भी फंक्शन हो तो कोयले साथ हम दूध डाल के रखते थे। तो ये मैं दोस्तों को साथ चाय डालकर दी जो पास कम काम करवा रहे थे, और मैंने खुद भी चाय पी। नदीम ने मुझे बोला कि ऊपर सामान आ गया तो आप ऊपर जाकर सामान भी साथ लगाएं और साथ देखें। मैंने कहा जी मैं ठीक है। तो मैं ऊपर जाकर देखा ट्रॉली आ गई थी, वो साथ साथ सामान उतार रहे थे तो और मैं सामान लगा रहा था। नदीम भाई के बच्चों के दोनों की हकीका था तो वो खुद साथ सेटिंग कर रहे थे। खैर देखते ही देखते तकरीबन घंटे से डेढ़ घंटे के दरमियान हमारा सामान सारा लग चुका था। ये मैंने एक अपना ड्रोन का व्यू लिया, यानी छत से चढ़ एक छोटा सा शॉट लिया है। यार इस छोटे बच्चे की माशाला आप एंट्री तो चेक करो, इस छोटे बच्चे ने एंट्री की है और चस आ गई दोनों बच्चों का हकीका था। और मेरी गुड्डी भी जो थी वो बैलून तोड़ के मेरे पास ले आई, बाबा ये देखें। मैंने कहा क्यों उतारे हैं? कहती है ऐसे 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 ऐसे, यानी अपनी ज़ुबान में कुछ कहने लग पड़ी। यार हमने यकीन जानिए रात को तकरीबन डेढ़ हो गया था और खाना मुझे बनाने की वीडियो याद ही नहीं रही है, बस थोड़े से दो चार क्लिप उठाए हैं। तो यकीन जानिए हर चीज़ इतने मज़े की बनी हुई थी आपको बयान नहीं कर सकता। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।